दोस्तों सीएसके के खिलाफ पांड्या ने बुलाया पोलार्ड और रसल से भी खतरनाक ऑलराउंडर, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं ये बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं अपनी फेवरेट टीम गुजरात टाइटंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों गुजरात टाइटंस इस समय आईपीएल में बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इस साल के आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और उन 5 मुकाबलों में उन्होंने 4 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में दोस्तों गुजरात का जो अगला मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के 17 मार्च को। ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले में आप जो देखेंगे वो यहाँ पर बहुत अच्छा मुकाबला होगा 7:30 बजे से पुणे के मैदान पर, और इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी उससे काफ़ी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि गुजरात चाहेगी कि वो अपने इस मुकाबले को जीत कर नंबर 1 पायदान पर बनी रहे, और सीएसके चाहेगी कि 5 में 1 मुकाबला जीती है ऐसे में अपने पोजीशन को थोड़ा सा और सुधारा जाए। ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले के लिए गुजरात टाइटंस बहुत अच्छी तैयारियां कर रही है। गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले के लिए अपने एक बहुत ही धाकर ऑलराउंडर की एंट्री करा रही है, जो कि खुद हार्दिक पांड्या और करण पोलार्ड से भी खतरनाक है। दरअसल दोस्तों हम जिस बात कर रहे हैं जिस खिलाड़ी की, उसका नाम है डोमिनिक ड्रैक्स। दरअसल दोस्तों ये खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है और डोमिनिक ड्रैक्स ने इस मैच के लिए पूरी कमर कस ली है। ऐसे में दोस्तों इनकी वापसी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी है और अगर ये टीम में आ जाता है तो ज़रूर अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करेगा, और इसके आने का चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसके आने से गुजरात टाइटन जो प्रदर्शन कर रही है उसमें कुछ सुधार होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।